हम लोग माता जी की चढ़ाई के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा कि माता वैष्णो देवी के वहाँ देखने को मिलेगा। कैसे हैं आप सब? मैं हिमेश राव देख रहे हैं अमेशनी ब्लॉग। सो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। और आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पर सारे मित्र हैं, क्योंकि हमारे महाराज जी सुधीर शुक्ला जी हैं और हमारे भाई लोग हैं। तो देखते हैं कैसे क्या यहाँ आनंद प्राप्त होता है। तो आप लोग इस ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहे और आप लोग को दिखाएंगे वहाँ पर कैसा क्या माहौल होता है। तो आप लोग इस ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहे। हमारे सभी मित्र एकदम रेडी होंगे, आप देख सकते हैं। और आज हमारे हर्षित भाई का बर्थडे था, तो हम सभी हर्षित भाई को बर्थडे विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर जम्मू पहुँच चुके हैं। अब हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ से निकलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और देखते कैसा क्या माहौल होता है, कैसा क्या मजा आता है। और आप लोग को इस वीडियो पे सारी जानकारी मिलती रहेगी। सो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर बस में बैठ चुके हैं। अब हम यहाँ से निकलने वाले कटरा, आप लोग देख सकते हैं हमारे हर्षित भाई बैठे हुए हैं। जय माता दी। इधर हमारे रिंकू भाई, सुधीर महाराज लोग बैठे हुए हैं, बैठे हुए यहाँ पर राजन बैठे हुए हैं। अब सभी लोग हम लोग वैष्णो देवी के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और देखते कैसा क्या माहौल होता है। तो आप लोग इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे और चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोग ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग मिलते रहेंगे। जय माता दी, 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 जय माता दी। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। पहली बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। और यहाँ पर ऑर्डर हो चुका है और काफी देर से हम लोग वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास भोजन आए। बट काफी लोग देख सकते हैं, काफी लोग निराश हो चुके हैं और भूखे हैं। तो वेट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या माहौल होता है, क्या क्या चीजें मुझे खाने को मिलती हैं। तो आप लोग इस ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहें। खाना पानी खा के एकदम यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर विश्राम कर चुकेंगे, एकदम फिट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग रेडी होके
यहाँ से निकलेंगे माता वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए। फिर देखते कौन वैष्णो माता की चढ़ाई कर पाता है, कौन नहीं कर पाता है, कौन से लोग डंडा लेते हैं, कोई कैसे चलता है। सारा वीडियो आपको इस ब्लॉग चैनल में मिलता रहेगा, तो आप लोग इस ब्लॉग को कंटिन्यू बने रहिएगा। गाइस तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर रेडी हो रहे हैं और हम लोग यहाँ से निकलने जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सभी लोग कैसे तैयार हो रहे हैं और हम लोग यहाँ से निकलते फिर आपको दिखाते अच्छे से सीने कैसे गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग माता जी की चढ़ाई के लिए यहाँ से निकल चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं सभी हमारे जो भक्त हैं काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा से जा रहे हैं। तो आप लोग इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे और देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या माहौल होता है। जय माता दी। बारिशों की छम छम में तेरे दर पे आए हैं, बारिशों की छम छम में तेरे दर पे आए हैं, बारिशों की छम छम में तेरे दर पे आए हैं। मेहरा वाली मेहरा कर दे झोलियां सबकी भर दे, मेहरा वाली मेहरा कर दे झोलियां सबकी भर दे। यहाँ पर काफी ज्यादा सब लोग खुश है और काफी ज्यादा हम लोग दूर चढ़कर आ चुके हैं और देखते हैं कैसे कि माहौल होता है। और हमारे रिंकू भाई आप जय हो। देख यहाँ पर हम लोग चलते चलते थक गए हैं, अब हम लोग यहाँ पर सोडा पानी पीने जा रहे हैं और देखते कैसे कैसे सोडा पानी पीते हैं और देखते कैसे हम लोग आगे जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर नाश्ता पानी कर चुके हैं, अब हम लोग फिर से चढ़ाई की ओर चल चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या माहौल होता है और कौन लोग माता जी के दर्शन कर पाते हैं और कौन लोग पीछे रह जाते हैं। देखते हैं आज की इस वीडियो में हमारे श्री महाराज काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं लेकिन फिर भी निरंतर चढ़ाई की ओर चलते जा रहे हैं। हमारे रिंकू भाई या राजन भाई भी काफ़ी निराश हो रहे हैं, बहुत थक गए हैं अंदर से। और देखते हैं हमारे हर चीज़ भाई लोग एकदम जोर से चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो 2 मीटर पहुंच जाएंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है आज इस ब्लॉग में। सारी सच्चाई आपको इस वीडियो में मिलती रहेगी। देखते हैं कि यहाँ पर जो है थोड़ी थोड़ी शाम हो गई है, हम आप लोगों को कंटिन्यू दिखाते रहेंगे। यहाँ पर हमारे सुधीर गुरुजी है, ये देखो आ गए, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैसा क्या माहौल है और काफी ज्यादा हम लोग थक चुके हैं बट फिर भी जो है हम लोग निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और देखते हैं हम लोग आगे इस यात्रा को पूरी कर पाते हैं कि नहीं। आप लोग सभी बच्चों को देख सकते हैं, राजन भाई को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज्यादा परेशान दरबार की, और यहाँ पर आप लोग देख माँ के प्यार की, और हमारे दिनकू भाई काफी ज्यादा थक चुके हैं और बस निरंतर कोशिश करते जा रहे हैं कि मुझे दर्शन करके ही वापस जाना है। कोई भी बंदा यहाँ पर हार मानने के नाम नहीं ले रहा, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बराबर हम लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। फिर देखते हैं कितना समय लगेगा, कैसा क्या माहौल होता है, आप लोग इस ब्लॉग पे कंटिन्यू करें। सो गाइस तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो है माता रानी के दर्शन यहाँ सीढ़ियों के जरिए करने जा रहे हैं और बाकी की जो हमारे साथी वो लोग साथ छोड़ दिए, वो रास्ते वाले जा रहे हैं पानी माड़ी में बट हम लोग जा रहे हैं सीढ़ियों के जरिए जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं पीछे का आप लोग नजारा देखिए कितना खतरनाक नजारा है, ऐसा कहीं पर भी नजारा आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ माता वैष्णो देवी के दरबार में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे और आप लोग को ऐसे ही अमेजिंग खाते रहेंगे सीने, देखते हैं कैसा क्या होता है। सो गाइस तो आप लोग यहाँ के पीछे का नज़ारा देख सकते हैं कितना ज्यादा खतरनाक है
आप लोग को ऐसा नजारा कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ माता वैष्णो देवी के वहाँ देखने को मिलेगा। जय हो। और आप लोग पीछे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर सीढ़ियों के जरिए चल कर आए हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है, देखते हैं कि हम लोग माता रानी की दरबार पहुँच पाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग काफी ज्यादा घूमने गए थे, और हम लोग यहाँ पर घूम सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं माता रानी की दरबार में यहाँ पर कैसा के माहौल है। देखते हैं हम लोग भोजन के बाद यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कैसे का माहौल होता है। आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद हम लोग अर्धकुमारी पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर 400 नंबर चल रहा है और हम लोग को 200 नंबर मिला है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा कब नंबर आता है। तो आप लोग इस वीडियो पे काटने में बने रहे और ब्लॉग पे काटने सांची जो तो वाली माता माता तेरी जय जय का जय जय का जय जय का जय जय का। बुलाया शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए। वो जोता वालिए पहाड़ा वालिए ओ मेहरा वालिए। अब हमारे हर्षित भाई जाएंगे। जय माता दी मिन बोलो जय माता दी अरे बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आ रही जय माता दी। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर चलते चलते थक गए थे, और हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर आराम करते हैं और यहाँ पर चाय ले। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं हमारे सुधीर महाराज अभी भी चाय ले सब लोग चाय पीकर एकदम फिट हो गए हैं, और यहाँ पर काफी यही लोग यहाँ पर भाई जय माता दी हर्ष शुक्ला भी है आराम करते हैं उधर भाई। सो गाइस तो आप लोग देख सकते हैं कि हम माता जी के भवन पहुंच चुके हैं। लगभग मैं यहां से 500 मीटर बचा हुआ है। हम लोग काफी ज्यादा कड़ी मेहनत के बाद यहां से 500 मीटर बचा हुआ है, बस हम लोग माता जी के भवन पहुंचने वाले हैं। अभी आप लोगों को दिखाते हैं पर कैसा क्या नजारा है। आप लोगों ने जिंदगी में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा होगा, सिर्फ आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें और आप लोग को सीधा माता जी के दर्शन कराते हैं और देखते कैसा क्या वहाँ पर माहौल होता है। भेजा है बुला तेरे दरबार में हाँ तेरे दीद
दीदार को मैं आऊंगा। यहाँ पर माता रानी का प्रसाद मिलता है और आप लोग देख सकते हैं कि हम सभी लोगों ने यहाँ पर प्रसाद ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्नान करेंगे आगे चलकर, उसके बाद माता रानी के दर्शन करेंगे और देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, अब हम लोग नहाने जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं। यहाँ पर स्नान घर बना हुआ है, हम लोग यहाँ पर स्नान करते हैं, उसके बाद माता रानी के दर्शन कराते हैं। आप लोग इस ब्लॉग में गांधी में मिले समझा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है हम लोग स्नान करने जा रहे हैं, ठीक है। तो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ स्नान करके एकदम रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से माता जी के दर्शन के लिए निकल चुके हैं और हम लोग माता जी के दर्शन करते हैं और उनके शरण में जाते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें और आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा क्या है। आप लोग भी आए यहाँ पर माता जी के दर्शन के लिए। सो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने माता जी के दर्शन कर लिए, बट आप लोग नहीं करा सके, हम आप लोगों के पास फोटो भेजेंगे क्योंकि वहाँ पर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए जिसके कारण हम लोग वहाँ का दर्शन नहीं कराते, बट आप लोगों को फोटो के जरिए आप लोग वहाँ का दर्शन माता दी। और काफी ज्यादा अच्छा लगा, यहाँ पर आके बहुत ज्यादा सुकून मिला, जो कि मन एकदम फ्रेश हो गया। और आप लोग भी आइए यहाँ पर, पानी बहुत गर्म था जो नहाए, और काफी ज्यादा ठंडा पानी था, रिंकू भाई हमारे मजाक कर रहे हैं। तो आप लोग आइए यहाँ का आनंद लीजिए, और काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो आप लोग इस ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। तो यहाँ पर माता जी के हमारे दर्शन हो चुके हैं, अब सबसे मेन होता है भैरवनाथ। अगर हम लोग माता जी के दर्शन करने के बाद अगर भैरवनाथ के दर्शन नहीं करते हैं तो हमारी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो अब चलिए भैरवनाथ एक बार कथा में बताएं। तो अब चलिए भैरवनाथ जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद हम लोग और आगे आप लोग को दिखाएंगे हम लोग क्या क्या करते हैं, यहाँ पर नजारा दिखाएंगे। तो आप लोग इस ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। सो गाइस, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माता वैष्णो देवी के यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। आप लोग यहाँ पर आकर देख सकते हैं, यहाँ पर कितने ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालु लोग आए हुए हैं और यहाँ पर सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे हर्षित भैया लोग, और कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर है आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मन एकदम माइंड पूरा एकदम जो है फ्रेश हो गया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। तो आप लोग भी आइए, माता जी से मांगिए दर्शन कीजिए। यहाँ पर हम वैष्णो देवी में मैगी खा रहे हैं, जो कि मैगी में ज्यादा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम लोग मैगी खा रहे हैं, इसमें स्वादलेस मैगी है। So guys, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर भैरवनाथ जी के दरबार में पहुँच चुके हैं, और यहाँ का पीछे का नज़ारा काफी ज्यादा खतरनाक है, बट यहाँ पर अंधेरा है इसलिए यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। तो हम लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पर दर्शन करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पर श्रद्धालु लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज्यादा भीड़ में बैठे हुए हैं, ये सभी लोग दर्शन करके ही जाएंगे। जय जय जोता माई माँ, जय जय मेहरा भाभी माँ।
सकते कि हम लोग एकदम अच्छे से पहुंच चुके हैं। जहाँ से हमने परिक्रमा को शुरू किया था वहीं पर हम लोग आ चुके हैं। और आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं, जो आ रहे हैं काफी ज्यादा, हम लोग सबसे पहले पहुंच गए हैं हमारे हर्षित भाई, और हम लोग आ चुके हैं और काफी ज्यादा मित्र आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को सारी वीडियो मिल जाएगी ब्लॉग पे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को ऐसी ब्लॉग वीडियो मिलती रहेगी। सो गाइस, तो हम लोग की परिक्रमा पूरी हो चुकी है, अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ अपने रूम पे और काफी ज्यादा हम लोग थक गए। सिर्फ हमारे हर्षित भाई और यहाँ पर सुबित भाई जो कि फर्स्ट में आए और हम भी आए हैं, और बाकी लोग अभी भी आ रहे हैं, उनका कोई पता नहीं वो कितनी देर में आए। तो अगर आप लोग को ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग को ऐसी ब्लॉग वीडियो मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर बाहर निकल चुके हैं घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग कल परिक्रमा करके आए थे, वो काफी ज्यादा थक गए थे। अब हम लोग यहाँ पर जो मार्केट यहाँ पर घूमने लगे, कुछ सामान लेने के यहाँ पर निकले हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ भाड़ लगी हुई है, और हमारे पीछे सभी साथी लोग आ रहे हैं, हमारे सुधीर जी महाराज आ रहे हैं, हमारे हर्षित भाई लोग सभी लोग आ रहे हैं। और आप लोग को यहाँ का नज़ारा दिखाते, कैसे क्या लोग यहाँ पर मिलते हैं, कैसे क्या यहाँ पर सारे सामान मिलते हैं। तो आप लोग इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें। तो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर नज़ारा कैसा है, और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक नज़ारा है। यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर मार्केटें लगी हुई हैं, और यहाँ पर आप लोग कुछ भी सामान ले सकते हैं जो कि आप बेटा सस्ता मिलेगा। अभी आप लोग दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो आप लोग इस ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहें। यहाँ पर कितना ज़्यादा सामान लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों को लग चुकी है चाय प्यास की तलब, अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल चुके, देखते हैं यहाँ पर कौन सी मशहूर चाय होती है, और पीते भी इसका आनंद लेते, देखते यहाँ पर अच्छी चाय मिलती है, खराब चाय मिलती है, हमारे यूपी से अच्छी मिलती है कि यहाँ पर खराब मिलती है। तो आप लोग इस ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहे, और देखते हैं यहाँ पर कैसा का माहौल होता है। और आप लोग यहाँ का नज़ारा, अब हम लोग बाएं तरफ जा रहे हैं, आप लोग देखते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा मार्केटिंग बनी हुई है, और आप लोग को इसी तरह हमारे यूपी पर सारी अपडेट मिलती रहेगी यहाँ की। अगर आप लोग आइए तो आप लोग यहाँ पर सारी जानकारी ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मस्त बन चुकी हैं। अब देते हैं यहाँ पर टेस्ट करते हैं यहाँ पर कैसा क्या माहौल है। तो हम लोग यहाँ से चाय वाय पी के एकदम अच्छे से निकल चुके हैं, अब आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं कैसा क्या माहौल है यहाँ पर मालिश, और देखते हैं कैसा क्या मज़ा आता है हमारे हर्षित भाई लोगों को और देखते हैं हमारे हर्षित भाई को अच्छा फील होता है कि नहीं होता है। अगर अच्छा फील होता तो फिर देखते। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं एक मार्केट में, जो कि यहाँ पर हम लोग सारा सामान लेते हैं। यहाँ पर हमारे भाई बहुत पैसे लगाए हैं, और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आप लोग को इस ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए, और आपको दिखाते हैं यहाँ पर कैसा क्या माहौल है, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती, जो भी आइएगा यही पे आइएगा। सो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर यात्रा कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लोग यहाँ से घर निकलने वाले हैं। तो आप लोग को यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे, और देखते हैं यहाँ पर कैसा का माहौल होता है। तो आप लोग इस ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहे, हमारे हर्षित दादा लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर सुधीर महाराज लोग हैं, हमारे दादाजी भाई हैं। फाइनली गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं, और काफी ज्यादा अच्छा सफर रहा सभी लोगों के मुंह, आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छा लगा हमारी यात्रा, एकदम सफल हो गई, हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं। अब हम लोग यहां से अपने अपने घर निकलेंगे, जिसको जहां जाना है आप लोग सभी लोगों ने यहाँ वहाँ गए। तो अगर आप लोग ब्लॉग पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग को ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग मिलते रहेंगे। जय हिंद।